स्वागत है आप सभी का आपकी वोकेबलरी क्लास नंबर 3 में। हमने इसके पहले की दो क्लासेस में जो बात करी वो प्रीफिक्स थे हमारे पास मोनो यानी कि एक, और फिर दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था बाई यानी कि दो, और उसी क्लास में हमने पढ़ा था तीन। ये जो है हमारे तीनों हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आज क्वेड, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ चार या तीन शब्द हैं, तो सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे, आज बहुत कुछ पढ़ेंगे। हम अपनी वर्ड पावर को आज और ज्यादा बढ़ाएंगे। क्या ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं काफी है? ना, ये मददगार साबित होगा आपके लिए, आपके मटेरियल में ये इंक्लूड होकर के आपको ये फील कराएगा कि आपसे बहुत कुछ आता है, लेकिन आपको अपने पास से भी पढ़ना पड़ेगा। अपने पास से कैसे पढ़ना पड़ेगा? मार्केट में जब खुल जाएं, अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीमारी का बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अभी टेस्टिंग हो रही है तो 25,000-28,000 के करीब लोग निकल रहे हैं, ईश्वर ना करे, लेकिन WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में अक्टूबर या अगस्त के महीने में, जो अगला महीना है, और अक्टूबर नवंबर, ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें अगर टेस्टिंग सही से करी जाएगी जैसे हो रही है तो फिर 1,00,000-2,00,000 रोज़ाना पेशेंट्स निकल के आएंगे और बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। वजह क्या रहेगी? पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और उसके ऊपर इलिटरेसी यानी कि निरक्षरता। जो हम लोग हैं, हम में से अगर 100 हैं तो 100 में से 50 पढ़े लिखे हैं, 50 बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो नहीं जानते कि कोरोना वायरस एक्चुअल में है क्या, कैसे काम करता। यहाँ तक कि वैज्ञानिक या डॉक्टर्स भी नहीं जानते कि किस तरीके से ये वेरिएशन ला रहा अपने अंदर, कभी कैसे हो जाता, कभी किसी को हो जाता है। जो क्वारंटाइन किया हुआ है, कभी वो निगेटिव रिपोर्ट देता, कभी पॉजिटिव। तो बड़ा मुश्किल सा एक पेचीदा सवाल बना हुआ है सरकार के और पूरी दुनिया के सामने। तो हम राय देंगे आपको, घर में रहें अपने, और बिल्कुल भी बाजार जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम, जब लगे कि अब तो अगर नहीं गए बाजार तो बहुत मामला बिगड़ जाएगा, तब आप जा सकते हैं, वो भी अपने चेहरे पर मास्क या रुमाल या जो गमछा होता है वो लगा करके, और अपने हाथ को अच्छे तरीके से सैनिटाइज करते रहें। बीच बीच में चाहो तो जेब में रख लो छोटा सा सैनिटाइजर, और टाइम टू टाइम उसे आप लगाते रहें। जैसे आपको लगे आपने किसी को छुआ या किसी के संपर्क में आए, उसे लगा लें। ध्यान रखें, इसे हल्के में ना लें, वरना आपको बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। ईश्वर ना करे जब किसी को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उससे उसके परिवार को ही अलग कर दिया जाता है, तो समझदारी भी है और मजबूरी भी है। ठीक, तो मैं ये बोल रहा था कि बुक्स बताएंगे आपको बाद में चल के कौन सी पढ़नी है, फिलहाल अभी ये पढ़ो आप, इतने काफ़ी है। तो आज की क्लास में जो है हम पढ़ेंगे क्वेड, और ये कितने को दिखाता है? 4 को। तो शुरू करते हैं इसकी क्लास। हमने पढ़ा था एक शब्द पैड, जो ट्राईपॉड, ट्राई में पॉड बन जाता है, यहाँ ओ आ जाता, लेकिन बाई में यही रहता। ठीक है, तो बाई पैड था। ऐसी शब्द एक है हमारे पास में क्वेड रप्ड, ये ए है। दोबारा लिख देता हूँ पूरा सही से मैं। तो एक शब्द हमारे पास में आया क्वेड रप्ड, यानी कि 4 पैर वाला कोई जानवर हो सकता है, भैंस, गाय, बकरी, 4 टांगे होती हैं इसकी, या 4 पाई जो होती है वो भी, कुर्सियां भी ज्यादातर यही होती हैं, मेज भी। तो जिनकी 4 टांगे हो, 4 पाए हो, जिस पे वो टिका हुआ है, तो वो कहलाता क्वेड्रप्ड, या इसे ये भी बोल सकते हैं 4-footed, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसा आंसर ये है 4 पैरों वाला। फिर हमारे पास में आता है क्वेड, देखो ये है 4, ये आगे 4, क्वेड रपलेट, याद है आपको? लेट मैंने ट्रिपलेट में करवाया था आपको, नहीं पता हो तो बता दूं, ट्राई मतलब 3, ट्रिपलेट 3 बच्चे एक साथ पैदा हुए, उनमें से एक ट्रिपलेट है, और ये 4 में से एक, एक साथ। अच्छा, ऐसे मत समझना कि भाई साहब मेरे घर में 4 भाई बहन हैं, उनमें से एक, ना,
चार एक साथ जन्मे हो, जो इंसानों में रेयर केस है, नहीं होता, लेकिन जानवरों में होता, बिल्ली के, चूहे के या कुत्ते, मतलब इनके जो होते हैं जानवर, इनके जो बच्चे होते हैं वो चार चार पांच पांच होते हैं, उनमें से एक जो होगा इस टाइम पर, चार पैदा हुए और उनमें से एक, तो ध्यान रखें एक साथ जन्मे चार बच्चों में से एक, तो क्वैडरप्लेट हो गया। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में एक नया शब्द, बहुत बेहतरीन है, क्वैडरिले। क्वैडरिले ये होता है, आपने सुना होगा कि सोलो सॉन्ग, सोलो सॉन्ग, सोलो, अभी बताऊंगा इसे, आज होगा ये वाला भी, सोलो सॉन्ग मतलब एक, ऐसा गाना जिसे एक व्यक्ति ने गा दिया हो, सोलो डांस, अकेला डांस कर रहा होगा, सोलो परफॉर्मेंस, कुछ नाटक या कुछ भी उसने डायलॉग वगैरह या जो भी डांस वगैरह करा हो, सारी परफॉर्मेंस एक ने करी तो वो सोलो परफॉर्मेंस, तो अगर वो एक ने करा तो सोलो, लेकिन नृत्य चार लोगों द्वारा, चार लोगों द्वारा, जब आपको लगे स्टेज पर चार, मतलब फोर गर्ल्स, चार लड़कियां, फोर बॉयज, या दो लड़के दो लड़कियां, मतलब संख्या वो जेंडर कितने भी, लेकिन चार होने चाहिए टोटल, चार लोग डांस कर रहे हैं तो वो जो डांस चल रहा है उसे बोलते हैं क्वैडरिले, क्वैडरिले। ठीक, फिर एक शब्द आता है हमारे पास लास्ट, और ये बंद हो जाएगा, होते और भी मगर हम नहीं कराते, देखो इसमें टी लग गया, तो ये चार बच्चों में से एक, क्वैडरप्ल, मैंने आपको बताया ट्रिपल, डबल, डबल, ट्रिपल, सिंगल, मल्टीपल, तो ये पिल जो है ना लास्ट में लगा हुआ, ये गुणा दिखाता, गुणा, यानी कि हमारा जो कहते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई वर्ब है, मल्टीपल जो है हमारा वो एडजेक्टिव है, और क्वैडरप्ल होता है मतलब चार गुना, चार गुना, चार चौक सोलह, चार चौक सोलह जो हुए वो चार गुना हुए, दो चौक आठ, ऐसे करके, तो चार गुना कुछ हो जाए अगर तो क्वैडरप्ल, तो क्वैडरप्ल चार गुना, क्वैडरिले नृत्य जिसमें चार लोग हों, गाना भी हो सकता है कोई, क्वैडरप्लेट एक साथ जन्मे चार बच्चों में से एक, और क्वैडरप्ल का ध्यान रखना, बहुत पूछते हैं ये होता चार पैरों वाला। एक बात बताओ, जो मुर्गी है वो बाईपेड है, ट्राईपेड है, या क्वैडरप्ल है? मुर्गी दो पैर होते हैं उसके पास, अच्छा पंजों की बात नहीं करना, कभी कभी पांच उंगलियां पैर जो होते हैं इस पर वो खड़ी होती है उसकी बात कर रहा है, तो वो हो गए हमारी बाईपेड। और भैंस कैसी है? क्वैडरप्ल। मैं कैसा हूं? बाईपेड। आप भी बाईपेड हैं। ठीक, ये हमारा क्वेड वाला खत्म हो गया, इसका ध्यान रखना। अच्छा बच्चे ये कह रहे हैं भाई साहब याद नहीं रह रही है, वो वोकैबुलरी याद करके निकलती जा रही, इसे दिमाग से निकाल दो आप, इस बात को कि मैं याद कर रहा हूं निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितनी बार याद करोगे उतनी ही आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, तो उसका कोई तरीका नहीं है कि भाई साहब क्या याद करूं, च्यवनप्राश खाऊं, अखरोट खाऊं, या सोना चांदी खाऊं, कौन सा खाऊं, कुछ बताओ तो। आपने क्या खाया है? मैंने एक लाइन पकड़ रखी है, बस कुछ भी नहीं खाया मैंने, उस लाइन को खाया है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस लाइन को जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तभी खा लेता हूं मैं। अगर मुझे प्रॉब्लम खेलने में होती है, क्रिकेट मैं शॉट सही से नहीं मार पाता, तो मैं इस लाइन को खा लेता हूं और प्रैक्टिस करने में लग जाता हूं। समझ रहा है ना? तो कोई अखरोट, बादाम, काजू, छुआरे, किशमिश या च्यवनप्राश, दिमागीन, पार्लेजी, इनके खाने से आपकी सेहत पे कुछ असर पड़ सकता। दिमाग को तो बस हमारे विचार ही प्रभावित कर सकते हैं, अच्छे विचार हैं तो हम अच्छी चीज़ प्राप्त कर लेंगे, बुरे विचार हैं तो बुरी चीज़ों में घुस जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ना, हमारे दिमाग और दिल जो है, दोनों चीज़ें इनके ऊपर मेरी नज़रों में असर करती हैं खाने पीने की चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कर दोगे तो पक्का हो जाएगा, ना। विचारों से ज़्यादा और डिटर्मिनेशन से ज़्यादा मजबूत हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को सॉरी, कुछ कर ही नहीं सकता है। तो डिटर्मिनेशन क्या? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब मैं बॉलिंग करूंगा और मेरी वाइड जा रही होगी बॉल, तो मैं कुछ खा लूँ वहाँ पे, क्या खाऊँ, मतलब मैं जो है एक 50-50 का बिस्किट खा लूँ या हल्दीराम की नमकीन खा लूँ, तो मेरी बॉल सीधी जाएगी।
ये बेवकूफी वाली बातें क्यों करते हो आप? मैच्योर हो थोड़े से, अब जरा हो चुके हो, थोड़े मैच्योरिटी का इस्तेमाल करें और समझें। वाकई में यार कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं, ये उनमें की एक है। बार बार पढ़ते जाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ कि हफ्ते में मुझे दो बार ये पढ़ना, तीन बार ये पढ़ना, रोज़ाना ये पढ़ना है। जो ज़्यादा परेशान करता है उसे रोज़ाना पढ़ूंगा, जो याद हो जाता है उसे दो दिन पढ़ूंगा। स्ट्रेटजी बना लो, वरना सारे का सारा पढ़ा लिखा यहीं रह जाएगा, कुछ पेपर में कर नहीं पाओगे। पेपर में वो करके आओगे तो यहाँ बैठेगा, और यहाँ कैसे बैठता? प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस सिर्फ। तो इन्हें बार बार पढ़ते जाओ, ये तरीका है इसका। हमसे अभी दिमाग में आया आपके भाई साहब, आपको कैसे ये सब इतना याद रहता, ये कैसे समझा रहा हो आप? मैंने बताया नहीं, मैंने प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट को कम से कम 1 करोड़ बार खा चुका हूँ मैं इस लाइन को, अब भी खा लूंगा थोड़ी देर बाद। मतलब जब भी मुझे परेशानी होगी तभी मैं अपने आप को कह दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस ये तरीका है इसका। नोट करते चले इन शब्दों को सबको। इसके बाद में जब हमें ये मिला, चार लोगों के द्वारा नाच, जब नृत्य होता है चार लोगों के द्वारा, अब यहां आते हैं सोलो, इससे बना रहा हूं हल्का सा सोलो। तो हमने एक चीज देखी, मोनो आया था, देखो मोनो है प्रीफिक्स, मोनो प्रीफिक्स है, सोलो एक अपने आप में एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। तो हम इसकी बात करेंगे सोलो, ये क्या होता है? ये होता है सोलो एक के द्वारा गाया गया गाना, एडजेक्टिव है ये। इसका आगे लिख रहा होगा सोलो सॉन्ग, वो गाना एक ने गाया होगा, एक के द्वारा नृत्य, एक नाच रहा स्टेज पर, सोलो डांस चल रहा, सोलो डांस, और एक के द्वारा परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ही लिख देता हूँ। मतलब वो जो गाना नाच चल रहा पढ़ाने का, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी सोलो टीचिंग चल रही है, अकेला पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो सोलो मतलब सोलो डांस, सोलो सॉन्ग, सोलो परफॉर्मेंस, ये हो गया सोलो एक। मोनो काम नहीं करता इनके अंदर, ठीक है अब रोकते हैं इसे। तो ये चार के लिए, एक के लिए, नोट करते रहो सबको इन्हें। अच्छा कैसा आएगा पेपर में? ऐसे आएगा क्वेश्चन, ए सॉन्ग एक गाना संग बाय वन पर्सन, एक के द्वारा सोलो, और दो के द्वारा तो वो आएगा भी। ड्वेट सॉन्ग, ड्वेट परफॉर्मेंस, तो मैं इसे यही लिख दूंगा बस, दो के द्वारा गाया गया गाना, दो के द्वारा गाया गया गाना, तो ये हो गया हमारा ड्वेट। तो सोलो एक के द्वारा, ड्वेट दो के द्वारा, और हमारा जो वो है चार वाला वो था क्वेड रिले, ठीक है। अब तीन वाला नहीं होगा, छोड़ दो, अब इसे जो आता जा रहा है उसे देखते जाओ आप। इसके बाद में एक शब्द इस जैसा ही थोड़ा मिलता है, डी यू ई एल, ये जो ड्यू है ना, ड्यू ये दिखाता दो को, तो ये जो है ये आता है। अच्छा लड़ाई देखी होगी आपने, जब कभी महाभारत या रामायण या किसी मूवी में देखना आप, एक गुंडा है उसके साथ एक हीरो लड़ना चाहता है, लेकिन हुआ क्या, गुंडे के साथ 10-12 आदमी है जो विलेन है, उसके साथ 10-12 जो है उसके चेले चपाटे हैं, और दूसरा वाला हीरो अकेला है। तो गुंडा अगर बहादुर हो तो कहता है सब हट जाओ, मैं इससे अकेला लड़ूंगा। अब दो लोग लड़ेंगे, हीरो और विलेन, सब हट गए, ये तो दो लोगों की लड़ाई होगी, ऐसी युद्ध में होता था, सब हट गए और राजा लड़ते थे आपस में दो, तो वो दो के बीच जो लड़ाई चलती है या कहीं हो रही हो, दो हों बस दो, उसे बोलते हैं ड्यूएल। द्वंद्व युद्ध या दो के बीच लड़ाई, जब दो लोग लड़ रहे हों उसे बोलते हैं ड्यूएल। एक और शब्द इस जैसा होता, डी यू ए एल, इसमें ई है, इसमें ए, ये होता दोहरा, जैसे ड्यूअल सिम, वो ये वाला होता है, ड्यूअल सिम मतलब दो सिम वाला मोबाइल, ड्यूअल पॉलिसी, दोहरी नीति, मतलब एक काम करेंगे तो दूसरा भी हो जाएगा उस नीति से, उस पॉलिसी से, तो ड्यूअल पॉलिसी, ड्यूअल सिम, ध्यान रखना ये वर्ड पावर है, इसके बिना ग्रामर हो नहीं पाएगी आपसे।
तो डुएट दो के द्वारा गाया गया गाना याद करो इन्हें। देखो हम तो समझा रहे हैं आपको ये क्या है, याद आपको करना, प्रैक्टिस करते जाओ बार बार। जुवेल द्वंद्व युद्ध या दो के बीच लड़ाई, जुवल दोहरा, ये सब हो गया। करना क्या होता है, जब आपको लगे कि आप मंडे की वोकैबुलरी क्लास तीसरी ले रहे हैं तो आप इसे देखने से पहले पिछली दो क्लासेस जो हमारी वोकैबुलरी वन और टू है उसे नोट कर रहो आपने, तो वो पेपर पढ़ लो या वीडियो देख लो आप, फिर ये पढ़ो तो इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, रिदम बन जाएगा आपका, उनसे ये चीज़ें जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सफिक्स ला रहा हूँ मैं आपके लिए, बहुत अच्छा शब्द, देख लो। एक शब्द है हमारे पास में वोरस, वोरस मीन्स है ईटर, मतलब खाने वाला, खाने वाला मतलब आपने देखा होगा छिपकली जो होती है आपके घरों में, क्या वो आपके घर में आके दूध पी के जाती है आपके घर का, वो तो बिल्ली करती है ये काम। तो ऐसी जो शेर है क्या वो घास खाता है, नहीं, वो जानवरों को खाता है। तो जानवर एक दूसरे को जो चीज़ें खाते हैं उनके नाम पे, उनके खाने के तरीके पे इनके नाम पड़े हुए हैं। हर्बीवोरस जो शाखाएं, यानी कि जो पेड़ों की शाखाएं खाते हों, जैसे जिराफ, जिराफ की गर्दन कितनी लंबी होती, ईश्वर का ये कानून नियम है कि उसने हर किसी को वो शारीरिक संरचना दे रखी है जिसके हिसाब से वो काम कर सके, तो वो चूंकि शाखाएं खाएगा तो उसकी गर्दन लंबी कर दी। बकरी आप देखना गर्दन नीचे को ज्यादातर रहती क्योंकि वो घास खाती है, तो तरीके से है। तो ध्यान रखेंगे जानवरों के खाने के तरीके के नाम पर इनको एक नाम दे दिया गया, वो नाम जो मिलेगा उसमें सब में क्या मिलेगा आपको, वोरस। जैसे है फिरूगी, फिरूगी वोरस ये होता है फल खाने वाला। अगर आप इसे इंग्लिश में देखेंगे तो ये ऐसे मिलेगा, फीडिंग, फीड होता, फीडिंग ऑन होता, इस चीज़ को खाकर, फीडिंग ऑन का मतलब यहाँ जो आएगी, इस चीज़ को खाकर जिंदगी गुजारना, तो फीडिंग ऑन फ्रूट। फल खा करके जिंदगी गुजारता है कोई, तो ये लगा देंगे फ्रूगी वोरस। दूसरा, अगर आपको लगता है ग्रामीणी वोरस है, ग्रामीणी, ग्रास, तो ध्यान रखें घास खाने वाला, बकरी भैंस या गाय, घास खाने वाला, ज्यादा हैं तो वाले, खाने वाले बन जाएगा। एडजेक्टिव है सब, ये देखो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव सब एडजेक्टिव है। तीसरा, अगर मैं करूं हर्बीवोरस, देखो दोनों में फर्क है, हर्ब्स होती है शाखा, जो आपने देखा होगा पेड़ होते हैं, पेड़ के अंदर जो जिसपे पत्ते आते हैं वो जो शाखा निकल रही होती है ऐसे करके पत्ते होते हैं उसके ऊपर, उन्हें खाते हैं अगर, तो वो होते हैं ग्रामीनिवोरस, यानी कि सॉरी हर्बीवोरस, यानी कि शाखा, शाखाओं के पत्ते खाने वाला। जिराफ होता है इसके अंदर, इसमें गाय, गाय भैंस बकरी होती है, इसमें इंसान भी आते हैं, वैसे ही सभी जानवरों के लिए होते हैं, बताऊं मैं आपको। तो कोई जानवर जैसे कह सकते हैं आप, बंदर कह सकते हैं, लंगूर, ये फल खाते हैं, तो ये इसमें याद आएंगे, इसमें याद आएंगे, ये तीन हो गए हमारे पास, अभी बहुत सारे हैं। तो फ्रूगी वोरस फ्रूट, ग्रामीणी वोरस ग्रास, हर्बी वोरस हर्ब होती शाखा, जो उनके लिए होती शाखा बोलते हैं। आप कहोगे ब्रांच, ब्रांच देखो ये है जैसे ये लकड़ी जो ये ब्रांच है और उस पर पत्ते हैं ना, तो पत्ते वो हर्ब्स होती है, तभी तो हर्बल नाम सुना होगा आपने मेडिकल क्षेत्र में, क्योंकि पत्तियों से बनती है वो दवाई, हर्बल, हर्बल थे ऐसा करके होता है बहुत सारा, तो हर्ब होती है जो पत्ते होते हैं उसके निकले हुए शाखाएं। तीन हो गए और आएंगे भी। इसके बाद में फिर हमारे सामने आता है जी चार नंबर पे पिसी, इन सब का ध्यान रखना है जो मैं बताते रहा हूं। पिसी ये होती मछली, मछली के लिए आता है, मतलब वैसे तो मछली फिश होती है लेकिन उसके बदले में कुछ अल्टरनेट यूज कर लेते हैं,
तो पिसी वोरस, मछली खाने वाला। जानते हो, कुछ याद आया दिमाग में इसके? ये होता सारस। कभी देखना चोंच होती, बगुले जो होते हैं, बगुले या बत्तख भी कह सकते हैं शायद, खाती हो पता नहीं वैसे मुझे पक्का, या सांप जो होते हैं वो मछलियों को खा जाते हैं। तो ये जो मछलियों को खाते हैं जानवर, ये कहलाते हैं हमारे पिसी वोरस। अच्छा बात आती है भाई साहब, क्या इंसान के लिए? देखो ये शब्द जितने भी हैं वैसे तो जानवरों के लिए हैं, लेकिन आपके मोहल्ले में ऐसा सिर्फ मछली ही खाता रहता है वो, तो कह दो आप उसे पिसी वोरस है वो। या आपको लगता है यार हफ्ते में 3 दिन मछली खाता, तो कह सकते हैं पिसी वोरस। तो बहुत ज़्यादा खाना हो जब उनके लिए वाला, तब कहते हैं। और जानवरों का यही काम होता है, तो जानवरों के लिए है ये पिसी वोरस। पांचवें नंबर पर आता हमारा इंसेक्टिवोरस। इन शब्दों को जब याद करो तो ये भी तो ध्यान रखो, ये काम कौन करता? ये काम करता सारस या बगुला। कभी देखना टीवी में दिखाते हैं, वो आएगा उड़ता, वो मछली उड़ा के ले जाएगा एकदम से, वो उसे बोलते हैं पिसी वोरस है वो। इंसेक्ट तो आप जानते हैं कीट होते हैं, इसमें छिपकली आ जाएगी, मेंढक आ जाएगा, या और भी जो आप देखते हो ऐसे जो एकदम कीट को खा लेते हैं उसे बोलते हैं। तो इंसेक्टिवोरस होता है कीट खाने वाला। ठीक, 6 नंबर पर आता हमारा कार्निवोरस। ध्यान रखें, कार्न शब्द दिखाता है फ्लैश को, फ्लैश जो टॉर्च की है वो, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, मांस यानी कि मांसाहारी। रुक जाओ ये लिख दो, मांस खाने वाला। मैं बता रहा हूं ना सब जानवर के लिए है ये। मान लो अगर मैं मीट खाता हूं या कोई मीट खाता है तो वो कार्निवोरस नहीं कहो उसे, जानवर के लिए शब्द है ये। क्यों? क्योंकि फ्लैश की बात कर रहा है। फ्लैश सुनो क्या है, और मीट क्या होता, बीफ क्या होता, बहुत सारे नाम हैं, मटन क्या होता, चिकन क्या होता, तो 3-4 शब्द में बता दूं आपको। फ्लैश समझो पहले आप, यहां पे मेरे कोई पंजा मार दे और जो निकालेगा वो फ्लैश होगा। मतलब किसी व्यक्ति जानवर को मार करके जो ताजा मांस निकल के आता, कच्चा खा लेते हैं, जो कच्चा जानवर करते हैं ये काम, वो कार्न या फ्लैश कहलाता है। तो ये कार्निवोरस होगा। लेकिन जो इंसान होते हैं 99% आप जानते ही हैं, अगर कोई मुस्लिम है या कोई किसी भी धर्म से हो सकता खाता हो, वो मांस खाता है। अगर किसी भी चीज का, जैसे कि मान लीजिए बकरा है या जो है, मतलब कुल मिला के मांस है अगर वो, लेकिन वो मांस एक्चुअल में फ्लैश नहीं होता, वो मीट होता है। अगर ध्यान दें, अगर मांस जो है हमारा वो भैंस या कटरा जो होते इनका है तो बोलते मीट, और अगर इसके अलावा वो मुर्गे का है तो उसे बोलते चिकन, चिकन है वो, और अगर वो बकरे का है तो मटन बोलते हैं, और अगर शायद वो गाय का है तो बीफ बोलते हैं, जिसके ऊपर पाबंदी है और इसको मना कर दिया गया खाने के लिए, जो कम होता है, उपलब्ध होता ही नहीं है। क्यों ऐसा है? कि अगर किसी जानवर को श्रद्धा के रूप में किसी धर्म में स्वीकार कर लिया जाता हो, तो इस्लाम धर्म में भी ये प्रक्रिया कही गई है कि आप उसे ना काटें, क्योंकि समाज में अराजकता फैल सकती है, समाज में जो है लड़ाई हो सकती है, तो उसे मना कर दिया गया तो नहीं काटी जाती। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। तो कार्निवोरस मांस खाने वाला, लेकिन जानवर के लिए आता है। फिर भाई साहब वो जो इंसान जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब हम जो खाते हैं, तो वो सुनो अब, इसे इतने को याद कर देना, इतना देखो ये जानवर हो गया। और अगर कोई इंसान है, मान लो इंसान के लिए अगर शब्द तो होता नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन ये होता मांसाहारी, इसे भी कह सकते हैं मांसाहारी, बस फर्क ये है कि ये इंसानों वाला। तो नॉन वेजिटेरियन, मैं बोलूं आई एम नॉन वेजिटेरियन, मैं कार्निवोरस नहीं कहूंगा अपने आपको, इसका मतलब ये है कि मैं कच्चा खा जाता हूं किसी को। तो ये जानवरों के लिए 99% होता है, और ये होता है इंसान के लिए नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी, या सिर्फ अगर वेजिटेरियन है तो ये होता शाका हारी, इसमें सब्जियां वगैरह सब आ जाती है। ठीक है, तो इंसान के लिए नॉन वेजिटेरियन, मतलब इंसान की 2 कैटेगरी है, मांस खाता है तो नॉन वेजिटेरियन, इसमें सब्जी भी आती है, और सब्जी भी खाता है मांस भी खाता है, ऐसा है। देखो सुनो, मांस खाता है अगर, सब्जी खाता हो या नहीं, नॉन वेजिटेरियन, और मांस नहीं खाता, सब्जियों पर निर्भर करता है, दाल वगैरह पर, तो वेजिटेरियन। ठीक, ये इंसानों के लिए हो गया, ये हमारे जानवर। एक चीज और देखो आप, परंतु एक शब्द है कैनिबल, इसका ध्यान रखना,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही इस टाइम, वो तो है ही इंसानों के, ये गलत चीज है। कैनिबल होता इंसानी मांस खाने वाला, इंसानी मांस खाने वाला, यानी कि इसे लिख दूंगा मैं नरभक्षी, आदमखोर। नरभक्षी या आदमखोर, ये इंसान भी हो सकता है कोई और जानवर भी हो सकता है, ये दोनों के लिए है। कैनिबल दोनों के लिए है। कभी कभी इंसान जब इंसान का मांस खा ले भूख में या किसी भी तरीके से और उसके मुंह को लग जाए वो, ऐसी कहानियां पढ़ना पिशाचों के बारे में आती हैं, तो वो उसे मार के खाता, फिर इंसानों को खाता, जानवर वगैरह कुछ नहीं खाएगा, वो सब बेकार लगते हैं उसे, उसे इंसान खाने होते हैं, फिर वो कैनिबल है। जैसे शेर जानते हैं, मार के खा जाता शेर, डायनासोर वगैरह जो होते हैं सब, तो ये कैनिबल कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। और शेर कार्निवोरस भी है, दूसरे जानवरों का मांस खा जाता है। तो सबको एक बार फिर से समझ लो आप, कोई जानवर जो किसी दूसरे जानवर को खा जाए कार्निवोरस, कोई इंसान या जानवर जो इंसानों को खा जाए, इंसानों को खाता कैनिबल, और कोई इंसान जो मांस खाता हो तो नॉन वेजिटेरियन, और सब्जियां खाता है तो वेजिटेरियन। सबका ध्यान रखना इनका, खत्म हो गया। ह्यूमन फ्लेश आएगा उसमें, देखो दो बार सवाल बोलूंगा मैं। एनिमल्स दैट ईट्स फ्लैश, अगर एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, जानवर जो मांस खाते हैं बस मांस, कार्निवोरस। और अगर ये आ जाए एनिमल्स दैट ईट ह्यूमन फ्लैश, तो कैनिबल आएगा। और इंसान की बात करेंगे तो वो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सात नंबर पे, छः हो गए ना हमारे, तो सात नंबर पे हमारा आता है एपी वोरस। एपी शब्द दिखाता है मधुमक्खी को, इसका ध्यान रखा करो कौन सा शब्द क्या दिखा रहा, इनकी जरूरत मुझे आगे भी पड़ेगी। तो एपी दिखाता है मधुमक्खी को, तो ये होता है मधुमक्खी खाने वाला। ऐसे भी होते हैं बहुत सारे, मतलब कुछ चिड़िया वगैरह जो मधुमक्खी खा लेती है, मधुमक्खी खाने वाला। शहद की बात नहीं कर रहा, कभी शहद कहो हम नहीं, हम तो शहद खाते हैं, हम कुछ और हैं। ये एपी वोरस जो मधुमक्खियों को खा लेगा। आठवें नंबर पे आता है फिर हमारा, अच्छा शब्द है देखो ये, ग्रानी। ये एम नहीं है, ग्रामी, वो ग्रास थी, ये ग्रानी है, ग्रैनी वोरस। और ये ग्रैन जो है एक्चुअल में है, इसमें आई नहीं होता लेकिन इसमें होता, ग्रैन या सीड्स। क्या क्या है ये? अनाज, बीज, यानी कि अनाज बीज खाने वाला, मधुमक्खी खाने वाला अनाज। और ये ग्रानी है, ग्रानी वोरस। एम लगा दूंगा तो घास वाला बन जाएगा, ग्रामी वोरस। याद करने का तरीका बताऊं, ग्राम हिंदी का शब्द है, ग्राम हिंदी का शब्द है, तो गांव में घास बहुत होती है कह सकते हैं, तो ग्रामी वोरस। और ग्रानी वोरस ये हो गया, तो शहर में सब में मिल जाएंगे आपको। इसके बाद में हमारा जो है हो गया, देख लेता हूँ मैं, हर्बी वोरस, कार्नी वोरस, ग्रामीणी वोरस, इंसेक्टी वोरस, प्रेसी वोरस, सब हो गया। अब आते हैं लास्ट वाले पे, नवे नंबर पे जो आएगा उस और देख लो, वोरस चलना सारे वोरस। नौ नंबर पे ओमनी, ये तो कोई खाने की चीज है ही नहीं, देखो आप सही से, मधुमक्खी होती है सही है, घास होती, मांस होते हैं, शाखाएं होती, मछली होती, लेकिन ये कोई चीज थोड़ी है खाने की। इसका मतलब होता है ऑल, ओमनी मतलब ऑल, तो ओमनी वोरस, सब कुछ खाने वाला। ये सब कुछ होता, इसे आप पता क्या कह सकते हैं, केकड़ा। जो केकड़ा होता है ना, उसमें रहता है, उसके आठ नौ भुजाएं होती हैं, वो कुछ भी खा लेता है, मिट्टी कुछ भी डाल दो आप उसे, वो खा लेगा सबको, तो ओमनीवोरस। और कुछ भी हो सकता है, फिलहाल ओमनीवोरस का एग्जांपल केकड़ा बढ़िया है, कुछ भी खा लेगा वो, सबको खा लेगा, जितनी भी चीज दोगे आप उसे, तो ओमनीवोरस सब कुछ खाने वाला। सवाल कैसा आएगा, ए पर्सन या एन एनिमल हु ईट्स एवरीथिंग, सब कुछ, तो ओमनीवोरस। अब इससे ही ना एक शब्द मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आपको,
ओमनी प्रेजेंट। देखो वोरस है तो खाने वाला, प्रेजेंट है तो उपस्थित, और ओमनी है तो वही ऑल, तो ये होता है सर्वव्यापी। या सभी जगह मौजूद, जैसे हवा की बात करी जाए, अगर हवा वैसे है नहीं सब जगह, कहीं कहीं नहीं होती, लेकिन हवा के तो हवा जो है एयर इज ओमनी प्रेजेंट, हवा हर कहीं होती है, लेकिन एक्चुअल में जो चीज दुनिया में सब जगह है वो भगवान है। तो कह सकते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर कहीं है वो, बात आएगी बात है, वो तो ऊपर है, गलत फहमी में, आपके अंदर भी मौजूद है, आसपास भी, सब में मौजूद है वो आपके आसपास। तो ओमनी प्रेजेंट मतलब ए पर्सन या समथिंग विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर कहीं मौजूद हो, प्रेजेंट है ना, तो ये लगा देना। और अगर आ जाए एनिमल्स हु कैन टेक, कैन ईट, कैन टेक एवरीथिंग, जो खा सकते हैं, तो वोरस ओमनीवोरस, सब कुछ खाने वाला, ओमनी प्रेजेंट सभी जगह मौजूद, इसकी हिंदी होती है सर्वाहारी। ये जो हारी होता है ना, हारी, ये इसके लिए आता वोरस, मांसाहारी शाकाहारी इस टाइप से। खत्म हो गया हमारा वोरस। ये खत्म हो गया। इसके बाद में अब हमने शब्द पकड़ा गेमी, जिसके बारे में आप पहले भी बात कर चुके हो। गेमी मतलब क्रिया, शादी संबंधी, ठीक है। और अगर इससे बना दूं मैं गेमिस्ट, तो जब आईएसटी आता है तो व्यक्ति होता है, और इसमें भी क्या है, शादी संबंधी। तो गेमी जो है, जहां गेमी आए, समझ जाना शादी की बात चल रही है। मैं दो तो पढ़ा चुका हूं आपको, मोनोगेमी एक टाइम पर एक शादी, बाईगेमी एक टाइम पर दो शादी, एक सही और एक गैरकानूनी। या अगर मान लो मुस्लिम धर्म में अनुमति है इस चीज की, क्या दो शादी या चार शादी कर सकते हैं किसी दूसरे देश में, और वो दोनों ही रजामंद हैं, तो वो बाईगेमी कहलाएगी। एक ही टाइम पर होनी चाहिए, मतलब एक टाइम पर दो बीवियां होना। तो गेमी मतलब शादी को दिखाता है, गेमिस्ट जो ये काम करता हो, जो बताएंगे हम आपको। तो मोनोगेमी तो हो चुका है हमारा, एक विवाह। दूसरे नंबर पे हमारा बाई गेमी भी हो चुका है, द्वि विवाह या दो विवाह बोल दो एक ही समय पर। और तीसरे नंबर पे हम लाएंगे अब पॉली गेमी, ध्यान दे जरा। अच्छा एक बात और, एक गेमी तो एक विवाह, दो विवाह मैनी होता है, ये मैनी, पॉली दिखाता मैनी को, बहुत सारे, तो ये हो गए बहुत विवाह, बहुत विवाह या बहुविवाह कह सकते हैं, बहुविवाह, बहुत विवाह मतलब हिंदी समझाने के लिए है। तो मैनी पॉलीगेमी बहुत सारे विवाह, मोनोगेमी एक विवाह, क्योंकि ये एक को दिखाता, और ये हमारा दो को दिखाता या मैनी को दिखाता। एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, मोनोगेमिस्ट मतलब वो व्यक्ति जिसने एक शादी करी हो, और मोनोगेमी तो एक विवाह, तो ये विवाह को दिखाते हैं, आईएसटी लगा दोगे तो विवाह करने वाला। तो मोनोगेमिस्ट एक विवाह करने वाला नाउन होता है, ये नाउन है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये फीलिंग है एक विवाह, और नाउन ये कॉमन है। तो मोनोगेमी बाईगेमी पॉलीगेमी नाउन, मोनोगेमिस्ट बाईगेमिस्ट जो दो विवाह कर लेता है, लड़का लड़की कोई भी हो, पॉलीगेमिस्ट। अब एक चीज समझे जरा, ये जो पॉलीगेमी है ना, ऐसी व्यवस्था जिसमें एक महिला बहुत सारे एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक पुरुष गलत हो गया था ऐसी व्यवस्था जिसमें एक पुरुष बहुत सारी महिलाओं
से शादी करे। दो व्यवस्थाएं हैं इसमें, देखो सुनो, इसमें एक महिला एक पुरुष, इसमें दो महिला एक पुरुष, या एक महिला दो पुरुष, या दो पुरुष एक महिला, इसमें दोनों मतलब दो होंगे, एक 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 होगा इसमें। लेकिन यहां देखो जरा, ऐसी व्यवस्था जिसमें पुरुष कितने हैं एक और उसकी पत्नियां कितनी हैं बहुत सारी महिलाएं, इसका उल्टा देख लो जरा, एक है तो यही देखो पॉली मैनी, लेकिन इसका उल्टा है ये, पता क्या है, इसमें पुरुष एक है उसकी बीवियां ज्यादा हैं, इसमें क्या है ऐसी व्यवस्था जिसमें एक महिला, यानी कि इसमें महिला एक होती, शादी वो ज्यादा से करती है, बहुत सारे पुरुषों से शादी करें। तो अगर सवाल ये आए तो क्या लगाओगे, ये दो ऑप्शन है आपके पास, ये तो सिंपल है, दो शादी एक शादी, ये ज्यादा है तो दो केस है इसके, दो केस मतलब पुरुष एक है, पुरुष एक है इसने कई सारी शादियां कर रखी हैं, तो ये जो प्रक्रिया है इसे बोलेंगे पॉलीगेमी, और ये व्यक्ति पॉलीगेमिस्ट होगा, पुरुष है ना ये एक पुरुष, महिलाएं ज्यादा हैं इसके साथ शादी करे हुए। ठीक, उल्टा कर दो अब आप, महिला एक उल्टा हो गया, इसने बहुत सारे पति रख रखे हैं अपने, इलीगली कहीं कहीं या कुछ भी शादी कर रखी है उनसे सबसे, तो ये हो गया पॉलीएंड्री, और वो महिला होगी पॉलीएंड्रिस्ट, आईएसटी लगा दो बस। तो ये दो व्यवस्थाएं हैं, दोनों का ध्यान रखना, अंग्रेजी में सवाल कैसे आएगा आप आंसर दें कौन सा होगा, ऑप्शन ये दोनों हैं। क्वेश्चन मेरा ये है, ए वुमेन हु हैज मैनी हस्बैंड्स एट ए टाइम, ये आंसर पॉलीएंड्री, महिला एक है ना, दूसरा ए हस्बैंड या ए मैन एक व्यक्ति, मैन ए मैन हु हैज मैनी वाइफ्स एट ए टाइम, अब यह ठीक, और ये दोनों के लिए आता है ठीक है, लेकिन ये दो शब्द अलग अलग है, खत्म हो गई बात इसकी। बात जब गेमी की चल रही है तो गेम के जो है सारे शब्द निपटाएंगे, देख लेता हूं मैं, पॉलीगेमी हो गया, मोनोगेमी, बाईगेमी, एक शब्द आता है हमारे पास में इस जे इससे ही बना हुआ, मिसोगेमिस्ट, तो देखो ये गेमिस्ट तो हमारा ये रहा, मिसोगेमिस्ट या मिसोगेमी कर दो, दोनों हैं ये, बस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एक प्रक्रिया है, वो व्यक्ति है, तो मैंने ये ले लिया। इसमें जो ये मिस है ना, इसे आप यहां लिख दो नफरत, ये जो मिस होता है ना नफरत को दिखाता, एक मिस ये होता, ये आता है कुमारी लड़की के नाम से पहले, और एक होता मिसेज, शादीशुदा महिला के नाम से पहले, नाम से पहले मान लीजिए ये लड़की है और आप इसके बारे में जानते हैं अच्छे से, शादी नहीं हुई तो बोलेंगे मिस रीना, मिस नेहा, मिस काशना, मिस राबिया, मिस कुछ भी बोल देंगे, मिस शादी नहीं हुई है, मिसेज मत लगाना, पता है तो आपको गलत इस्तेमाल करना है, फिर मिसेज मतलब जब शादी हो जाती है, मिसेज हो जाता है वो, सुनेंगे दोबारा से, तो जो ये लड़की कुंवारी है इसे अगर कहना है तो या तो बोल दो रीना सीना जो भी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इसे इज्जत देनी है तो बोलेंगे मिस राबिया, मिस सविता इधर आइए, मिस जो भी, इसे लड़की कुंवारी है तो मिस, और शादीशुदा है अगर आपको लगता है शादी होगा तो मिसेज, मिसेज सविता, मिसेज राबिया, शादी हो गई अगर मान लो तो, पता है तो आप तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं पता तो नाम ले दो। कभी कभी ऐसा होता है हमारे सामने कोई लड़की है, शादी हो चुकी होती है लेकिन उसने अपने आप को मेंटेन कर रखा, पता नहीं चल पाता तो हम मिस लगाते हैं, तो वो खुश होती है, अरे मुझे मतलब ऐसे लग रहा है मैं शादी नहीं हुई है, इसका उल्टा भी होता। कभी कभी लड़की ऐसी होती है कि वो लगता है जैसे उम्र ज्यादा हो गई हो, कुछ भी खाना पीना जो भी रहा हो, और उसे बोल दिया मिसेस तो वो गुस्सा हो जाएगी, ये पता नहीं क्या प्रक्रिया है, अरे शादी होना तो अच्छी बात है शादी, लेकिन लेकिन होता क्या है, अगर एक लड़की है
और उसकी शादी हो गई है और उसका बच्चा है, तो वो अपने आप को शादीशुदा रिप्रेजेंट नहीं कराना चाहती। पता नहीं क्या वजह है। होता क्या है, फिर इतनी बुरी स्थिति भी आ जाती है कि उसका एक बच्चा है और वो अपने आप को मेंटेन किए हुए है पूरे तरीके से। अब उसने क्या करा, उसका बच्चा खेल रहा था बराबर में, और जो उसके पापा पास में बैठे हुए हैं वो भी मौजूद हैं, बच्चा खेल रहा। अब किसी लड़के ने या किसी पुरुष ने उनसे कह दिया या किसी लेडीज़ ने, अरे बड़ा प्यारा बच्चा है ये, किसका बच्चा है ये, तो वो महिला बचती है मेरा ना हो जाए कहीं बच्चा ये, क्योंकि उसे अपने आप को कुमारा दिखाना है। पता नहीं क्या होता है ऐसा, तो वो कह देती इनका होगा, इधर बैठे सामने इनका होगा, इनसे पूछो। बोले ये कौन है, बोले मुझे नहीं पता। हस्बैंड को कह रही है अपने, मुझे नहीं पता कौन है ये, मैं नहीं जानती इन्हें, मतलब एक मजाक कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा हो जाता कभी कभी, जो मजाक में होता हो या सीरियस, लेकिन एक शादीशुदा लड़की मॉडर्न टाइम की अपने आप को शादीशुदा दिखाना नहीं चाहती है। मेंटेन करना सही है, लेकिन शादीशुदा हो तो क्या परेशानी है। मैं इस पे कोई वो नहीं कर रहा, एक मजाक में बात कर रहा था आपसे, ठीक है। तो यहाँ आते हैं मिसेज शादीशुदा लड़की से पहले, महिला से पहले, और मिस कुमारी लड़की से पहले। अब ये दोनों खत्म होगा, इसमें बताओ कितने एस हैं। ये सिंगल एस वाला, ये प्रीफिक्स है, ये अलग बात है। तो ये जो मिस है हमारा, ये दिखाता नफरत को। तो मिसो गेमिस्ट हो गया नफरत, यानी कि गेम, जो शादी से नफरत करे, लड़का लड़की जो भी हो, एक लड़की है वो शादी से नफरत करती, मैं शादी नहीं करूंगी, वो मिसो गेमिस्ट है। एक लड़का है मना करता, मैं शादी नहीं करूंगा, वो मिसो गेमिस्ट है। दोनों होते हैं। तो मिसो गेमिस्ट मीन्स जो शादी से नफरत करता हो। अब जब इसकी बात आ गई तो हम एक नया शब्द जोड़ देते हैं इसके अंदर, मिसोजनिस्ट। इसको ध्यान रखना, ये पढ़ते हैं जो मैं लिख रहा हूं, बच्चों से पढ़ा नहीं जाता ना कभी कभी। मिसोजनिस्ट, ये मिसोगैमिस्ट, ये मिसोजनिस्ट, जिनिस्ट। तो मिसोजनिस्ट में जो ये शब्द है ना, ये GYN, ये दिखाता है लेडीज को, महिलाओं को दिखाता है ये। इससे एक डॉक्टर भी बनेगा अभी। तो ये दिखा रही है महिलाओं को, ये हो गया नाउन व्यक्ति के लिए, और मिस हो गई नफरत, ये दिखाता हमारा नाउन। तो ये हो गई नफरत, देखो बन तो गया शब्द, ऐसे तो बनते हैं, नफरत महिलाओं से करने वाला। तो आंसर हो गया ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता हो। तो ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता है, उसे बुरी लगती है महिलाएं, तो उसे बोलेंगे मिसोजिनिस्ट है वो, मिसोजिनिस्ट। शादी से नफरत करता है या करती है तो मिसोगेमिस्ट। तो हमने गेमी पढ़ा, पॉलीगेमी, मोनोगेमी, बाईगेमी, पॉलीएंड्री और मिसोगेमिस्ट। तो खेल खत्म हो गया शादी का, फिर हमने शुरू कर दिया मिस का खेल। अब तो मिस दो हो गए हमारे पास, मिसोगेमिस्ट, गेमिस्ट, शादी है ये। तो शादी से नफरत करने वाला क्योंकि मिस है, और मिसोजिनिस्ट महिला है, महिलाओं से नफरत करने वाला। और शब्द बनेंगे अभी दो है, तो बहुत सारे, दो दिखाऊंगा मैं आपको। अब हमने इससे एक शब्द निकाल लिया यहां से, गाइनकोलॉजिस्ट। शुरू में आ गया ये गाइनकोलॉजिस्ट, और लॉजिस्ट जहां आएगा वहां होगा पढ़ा लिखा लॉजिस्ट, पढ़ा लिखा कोई डॉक्टर वगैरह, ये जो होंगे ना लॉजिस्ट, एक्चुअल में ये डॉक्टर वगैरह के लिए आएंगे। तो मिसोलॉजिस्ट, मिसोलॉजिस्ट, अभी मैंने मिस लगाया तो नफरत करने वाला, पढ़ाई से जो नफरत करता है। लॉजिस्ट पढ़ाई लिखाई दिखाता, उसे देखेंगे बाद में। फिलहाल ये देखो आप, गाइन हो गई महिला, लग गया इसके साथ में एको डॉक्टर के लिए, और लॉजिस्ट जो है हमारा डॉक्टर। तो ये हो गई महिलाओं की बीमारियों का डॉक्टर, या स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, गायनकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? ऐसा डॉक्टर जो लेडीज, मतलब लड़की, महिलाओं की बीमारियों को सही करता है। लड़की भी हो सकती है, एक मिनट,
ये कोई लड़की भी हो सकती है, डॉक्टर और लड़का भी हो सकता है, दोनों हैं, लेकिन इनमें फर्क जान लो जरा आप। मान लिया किसी लड़की को बुखार आया, किसी महिला को बुखार आया, तो वो इसके पास जा सकती है, लेकिन एक्चुअल में इसकी ज़रूरत नहीं है, वो किसी MBBS डॉक्टर के पास चली जाए, जो नॉर्मल सा डॉक्टर होता है उसके पास चली जाए, वो दवाई लेकर आए। इसके पास कब जाते हैं, जब महिलाओं की अपनी खुद की बच्चे संबंधी या स्त्री रोग संबंधी जो बीमारियां होती हैं, जो खास करके महिलाओं में होती हैं, उनके डॉक्टर जो होते हैं वो कहलाते हैं गायनकोलॉजिस्ट। जब बच्चा होना होता है या कुछ मतलब यौन संबंधी कोई परेशानी लड़की को होती है अगर, तो वो जाती है इनके पास में, लड़कियों के लिए, ठीक, गायनकोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट डॉक्टर, गायन महिला। अब एक शब्द हमने निकाला नया, गायनोफोबिया। फोबिया हो गया डर, गायन हो गई फिर से महिला, ये हो गया महिलाओं से डर। देखिए जरा ध्यान से, तीन शब्द आए हैं महिलाओं के ऊपर, तीनों में ये है। अच्छा एक बात और, जब ये शुरू में होगा तो शुरू होता है गे से, और जब बीच में था तो जे लगा था, जे। तो मिसोजिनिस्ट महिलाओं से नफरत करने वाला, गायनकोलॉजिस्ट महिलाओं का डॉक्टर, गायनोफोबिया ये होता महिलाओं से डर, जो महिलाओं से डरता जाता नहीं उनके पास उसे बोलते हैं गायनोफोबिया। इसके बाद में हमने जब मिस को निकाला तो मिस दिखाता नफरत, तो एक शब्द और है मिसेंथ्रोपिस्ट, ये हो गया व्यक्ति, एंथ्रो हो गया मानव, और मिस हो गई नफरत। तो वो जो व्यक्ति था हमारा, ये वाला नफरत किससे, महिलाओं से, तो महिलाओं से नफरत करेगा तो मिसोजिनिस्ट, लेकिन मानव से नफरत करे, लड़की लड़का सबसे नफरत करता है वो, तो ये होता है मिसेंथ्रोपिस्ट, और ये होता है मनुष्य या मानव जाति से नफरत करने वाला या वाली। कोई लड़का या लड़की ऐसा है जो पूरे इंसानों से नफरत करता है, उसे इंसान पसंद नहीं है, उसके साथ हर किसी ने बुरा कर दिया हो तो वो नफरत करता है कि मुझे इंसान पसंद नहीं है, इंसान बहुत बुरे होते हैं। तो मिसेंथ्रोपिस्ट, एथ्रो हो गया हमारा मानव, मिस तो नफरत है ही, देखो जहां मिस आएगा वहां नफरत होगी, और जहां गायन आएगा महिला होगी, तो महिलाओं से नफरत मिसोजिनिस्ट, और पुरुषों से मतलब इंसानों से नफरत तो मिसेंथ्रोपिस्ट। और अगर ये आ जाए फ्लैंथ्रो, ये फ्लैंथ्रोपिस्ट, तो इसे देखें जरा, ये हो गया, ये जो फिल है ना ये प्यार दिखाता, तो हम कह सकते हैं कि मिस का जो विलोम, मिस का जो विलोम है वो क्या है, फिल, और जो मोनो का विलोम है वो क्या है, पॉली। विलोम जानते हो आप, एंटोनियम मतलब उल्टा, तो कभी ऐसा पूछ लिया जाए मिस का एंटोनियम फिल, क्योंकि ये दिखाता नफरत, ये दिखाता प्यार, प्रीफिक्स का एंटोनियम चल रहा है ये, और मोनो दिखाता एक को, ये दिखाता ज्यादा को, बाई मत लगाना, पॉली ज्यादा, तो इसका एंटोनियम, इसका एंटोनियम, तो ये फिल हो गया प्यार, एंथ्रो हो गया मानव, और ये IST जो है नाउन, तो ये होता मनुष्य या मानव जाति से प्यार करने वाला, ये हो गया हमारा। तो आज की इस क्लास में जो है हमने जितने भी शब्दों पर चर्चा करी उनमें हमें ये मिले, एक तो वोरस, ध्यान से पढ़ लेना, उसके ऊपर वन वर्ड आते हैं और पता भी होने चाहिए आपको। फिर हमने शब्द पढ़ा क्वेड, चार वाला, उसमें सोलो, ड्वेट, डुअल भी आ गया। फिर हमने शब्द पढ़ा
गेमी के ऊपर। फिर जैसे ही गेमी पढ़ा तो मिसो गेमिस्ट आया, तो हमने मिस भी पढ़ लिया। तो आज जो हमने शब्द पढ़े हैं उनकी कुछ खास पहचान मैं आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ, ताकि फ्यूचर में आपको उससे फायदा मिले। शुरू करते हैं। जो हमने आज शब्द पढ़े उसमें क्वेड चार को दिखा था, गेमी शादी को, मिस नफरत को, फिल प्यार को, गाइन महिला को, एंथ्रो मानव या इंसान को, आईएसटी कोई व्यक्ति दिखाता है, और जो वोरस है हमारा वो दिखाता है हमारा खाने वाला, जो खाता है चीजों को। इस तरीके के शब्द हमने आज सीखे, और भी हैं कुछ वो भी देख लेते हैं। ये सब नोट कर लेना। जैसे हमने एपी, तो ये जो होता हमारा मधुमक्खी संबंधी होता, और आज के इस पेपर में जो हमारी बातें चली हैं वो इसके ऊपर भी हैं। अगर लॉजिस्ट है तो ये पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई यानी कि डॉक्टर जैसा कुछ होगा। कार्डियोलॉजिस्ट, गाइनकोलॉजिस्ट, हेमटोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑटोलॉजिस्ट, राइनोलॉजिस्ट, ये डॉक्टर के नाम बोल रहा हूँ मैं, इन्हें सबको करवाऊंगा आगे चल करके। तो हमने आज इस चीज में काफी चीजें सीख ली हैं, और ये तो पुरानी है आप जानते ही हो। ये पैरों को दिखाता कितने पैर हैं, ये गुना दिखाता कितना गुना है, डबल ट्रिपल मल्टीपल या क्वेड्रपल, और प्लेट जो होता है ये उनमें से बच्चों की संख्या दिखाता कितने बच्चे हैं, और बाकी जो है हम कर ही चुके हैं इसमें। अब कुछ ऐसी खास बात बची नहीं है इसके अंदर। कार्न का ध्यान रखना, कार्न जो होता हमारा ये वाला कार्न, ये फ्लैश को दिखाता, मांस को। अब हम जब आपका टेस्ट लेंगे सैटरडे के दिन, सैटरडे के दिन समझ लो आपका टेस्ट हुआ करेगा, तो ये मंडे की क्लास है आपकी। सैटरडे के दिन जो टेस्ट होगा उसमें हम अब तीन चार क्वेश्चंस तैयारी रखना, इन वर्ड पावर में से भी पूछा करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो क्लास थ्री जो है हमारी इतनी ही रहेगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें आप, पढ़ाने को बहुत कुछ होता है लेकिन तरीके से करना पड़ता। तो मंडे की क्लास आपके पास दो होंगी जो आज पढ़ रहे होंगे आप, एक लाइव क्लास में चल रही होगी 21 क्लास, उसे अच्छे से पढ़ना, कॉमन वर्ब है उसमें। और जो दूसरा है हमारा ये जिसे आप पढ़ रहे हो वोकैबुलरी की क्लास, ये मंडे की दो क्लास है। सैटरडे के दिन जो टेस्ट में 20 नंबर का लूंगा वो हर सैटरडे होना है, तो उस दिन ग्रामर तो आएगी हमारी 15-16 नंबर की, 4-5 नंबर की अब वोकैबुलरी भी आएगी इन बातों के ऊपर जो मैं आपको बोर्ड पे सिखा रहा हूँ। अच्छे से इसे सीखते रहें। लास्ट में जो आवाज़ आपको प्रॉब्लम कर रही होगी वो बराबर में एक अचानक से काम शुरू हो गया तो वहाँ थोड़ा शोर मच रहा, लेकिन आप कान पे ईयरफोन लगा के वीडियो को पूरा अच्छे से सुने। अब बाकी बातें आपसे कल की ग्रामर की क्लास में होंगी, क्लास नंबर 22 में। आज की क्लास फिनिश हो गई, अगली वोकैबुलरी की क्लास में कुछ नए शब्दों के साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।